शंकर जी ने 7 बार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। निया में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चीटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए। दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवाल में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवाल में, किसी के घर की दीवाल में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता, केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापिस पलटा नहीं जाता, लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ, वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं, अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हो उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है।